नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर लग्न के लिए हर कुंडली का भविष्यफल बताते हैं तथा आर्थिक भविष्यफल भी बताते हैं। अब मैं आपके साथ तुला लग्न के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। आपका तुला लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपने जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में यदि तुला, लिब्रा अथवा सात नंबर आ रहा तो आपकी बात हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, ये नाम का अक्षर है। वर्ष 2022 सभी लग्नों के लिए विशेष करके अत्यधिक चौंकाने वाला, दशा और दिशा परिवर्तित करने वाला वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। कारण क्या है कि 12 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 में तीन मुख्य कार्मिक ग्रहों राहु, बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 19-20 दिनों के अंतराल में इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन लगभग पिछले 200 वर्ष में नहीं आया और आने वाले 180 वर्ष में भी नहीं आएगा। तो सभी जीवित जातकों के जीवन की दशा दिशा अप्रैल महीना बदल सकता है 2022 का। अब अप्रैल में क्या हो रहा है? 12 अप्रैल को राहु राशि बदल के वृषभ से मेष में आएंगे, केतु इसी दिन वृश्चिक से तुला में आएंगे, देव और पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ से मीन में आएंगे, पूरे वर्ष 13 अप्रैल के उपरांत मीन में रहेंगे। असुर ग्रह शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, 12 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे, 12 जुलाई से वक्री होकर दोबारा 31 दिसंबर तक भ्रमण करते रहेंगे। परंतु इस दौरान उनकी विपरीत क्रूर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति में पड़ती रहेगी, वो उसके शुभ प्रभावों को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त 29 अप्रैल से 12 जुलाई में शनि की क्रूर दृष्टि राहु पर भी पड़ती रहेगी। तो इसलिए ये पूरे वर्ष, ये जो वर्ष है, सभी की दिशा और दशा बदलने वाला है। सबसे पहले तुला लग्न के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से 2022 कैसा जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2022 में 5 से 22 जनवरी के मध्य लग्न के स्वामी शुक्र अस्त होने से इससे जुड़े जातक ऊर्जाविहीन तथा निश्चेद रह सकते हैं। यदि आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो मधुमेह, पीठ की समस्या, नेत्र और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी का कारण परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य सूर्य तथा शनि की युति होने से मानसिक अशांति, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी तथा फेफड़ों, घुटनों, लीवर, सरदर्द, स्नायु तंत्र और गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशानी हो सकती है। इस समय विशेष करके हृदय रोगियों को और विशेष करके जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं, अत्यधिक सावधानी से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, विशेष करके यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। माइग्रेन के जो जातक हैं, माइग्रेन से जिनको समस्या सरदर्द की होती है, वो भी सावधान रहें। लगातार दूर और ठंडे फल और सब्जी इत्यादि लें। इसके उपरांत 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पेट की समस्याओं में परेशानी होना, पेट पर वजन का बढ़ना, कंधों, जागो और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, अनुवांशिक रोगों से जुड़ी समस्याओं में भी बार बार जूझना पड़ेगा। मांसाहार, मद्यपान और लीवर की गंभीर बीमारियों के जातकों के लिए 12 जुलाई से 31 दिसंबर तथा 24 फरवरी से 26 मार्च का समय जो है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। 12 जुलाई से 31 दिसंबर और 24 फरवरी से 26 मार्च थोड़ा खराब रहेगा। नशे अथवा अत्यधिक मांसाहार, तंबाकू की अधिकता से समस्या, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो सकती है। 15 अप्रैल से 16 मई के का समय भी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सावधानी रखने का होगा। 1 मई को सूर्य ग्रहण और 16 मई को जो चंद्र ग्रहण का समय, हृदय रोगियों और मनोचिकित्सा से जुड़े रोगियों के लिए सावधानी रखने को होगा। इन ग्रहों के मध्य तेज बुखार, तेज सरदर्द और रीढ़ की हड्डी इत्यादि से सावधानी रखने का समय होगा। युवावस्था से जुड़े जातकों के लिए कुछ समय विशेष रूप से इस प्रकार है।
यदि विशेष करके वे फौज, पुलिस, खेलों, बिजली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खेती बाड़ी या भूमि से जुड़े व्यापार में व्यस्त हैं, उन जातकों को जो सुरक्षा इत्यादि से जुड़े हैं, मांसपेशियों के दर्द, चोट, यूरिक एसिड्स, स्पॉन्डिलाइटिस और हड्डी शरीर की हड्डियों में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। अत्यधिक श्रम अथवा खान पीन अनुशासनहीनता भी इसकी एक वजह हो सकती है। कुछ तारीखें जिनमें ये समस्या हो सकती है उन्हें जान लेते हैं। यानी 1 जनवरी 2021 से 16 जनवरी तथा जो मैंने हड्डियों इत्यादि की समस्या बोली, ये 1 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य हो सकती थी और 19 जनवरी से 21 फरवरी के समय में जो जैसे गर्भवती या जो सरदर्द, माइग्रेन इत्यादि की समस्याएं बोली थी वो हो सकती थी। अगला एक समय है 16 जनवरी से 26 फरवरी में, इसमें यात्रा में दुर्घटना, खेलों इत्यादि में, फौज पुलिस की नौकरी में, ये मंगल के जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है, फौज पुलिस की नौकरी में कार्यस्थल पर शारीरिक परेशानी हो सकती है। 27 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य अत्यधिक ऊर्जा और अति आत्मविश्वास के चलते अति परिश्रम आत्मविश्वास के चलते के कारण आप समस्याओं को बुला सकते हैं, जैसे घुटनों में चोट, यूरिक एसिड या गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं। 29 अप्रैल से 17 मई में थोड़ा सर दर्द, न्यूरोलॉजिकल या पीठ की समस्याएं हो सकती हैं। 18 मई से 27 जून में एसिडिटी, अधिक ऊर्जा होने से, खतरों के प्रति लापरवाह होने से आप चोट खा सकते हैं। 28 जून से 10 अगस्त के समय में राहु मंगल एक राशि में चल रहे होंगे, अतः तेज वाहन या वाहन चलाने से या खान पीन में सावधानी नहीं रखने से अत्यधिक तनाव हो सकता है और आप मांसाहार मद्यपान से भी अपने को समस्या बुला सकते हैं। इस समय में जो लोग खेलों में संलिप्त हैं वह सर, पीठ, चेहरे पर चोट खा सकते हैं। इस समय में शराब इत्यादि का सेवन बढ़ने से भी लीवर की, गुर्दे की और रक्तचाप की समस्याएं हो सकती हैं। 11 अगस्त से 15 नवंबर के मध्य यदि आयु 60 वर्ष से अधिक है तो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विशेष करके 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य जब शुक्र अस्त होंगे तो थोड़ा गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसी के बीच में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण तथा 5 नवंबर को के उपरांत 3 दिन के बाद जो चंद्र ग्रहण भी 8 नवंबर को पड़ रहा है तो अधिक सावधानी की आवश्यकता है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक स्वास्थ्य साधारण रूप से उत्तम है। तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी से 26 मार्च तक ग्रहणों के आसपास स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने बोला था 19 जनवरी से 21 फरवरी और 24 फरवरी से 26 मार्च, इन्हीं तारीखों के बीच में वो आ रहे हैं। अन्यथा 26 मार्च से और 31 दिसंबर के मध्य स्वास्थ्य शुभ रहेगा, सिवा 30 सितंबर से 5 नवंबर के बीच में, वह भी यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाग्य, शिक्षा तथा धर्म। 1 जन्म से 13 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि नवम एकादश तथा लग्न पर होने से भाग्य उत्तम रहेगा। यद्यपि 5 से 12 जनवरी और 19 जन्म से 21 फरवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च में कुछ विपरीत ग्रह स्थितियां शुक्र, शनि और बृहस्पति की हैं, फिर भी भाग्य साधारण रूप से उत्तम रहेगा। यदि शिक्षा की बात करें तो स्कूल स्तर की शिक्षा में 1 जन्म से 12 जुलाई का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। यदि हम स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई की बात करें तो 9 अप्रैल से 24 अप्रैल विदेश पढ़ाई है तो उत्तम रहेगा। 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक देश विदेश दोनों जगह शुभ रहेगा। 3 जुलाई से 26 अक्टूबर का समय उत्तम परिणाम देने वाला होगा। विदेश हेतु 21 अगस्त से 26 अक्टूबर का समय अत्यधिक उत्तम होगा। 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर के मध्य कला, साहित्य, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिल्म, टीवी, एडवर्टाइजिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी वस्तुओं, ब्रांडेड वस्तुओं क्षेत्रों में पढ़ाइयों में, इनसे जुड़ी पढ़ाइयों के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। चिकित्सा के क्षेत्र केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मा और एग्रीकल्चर तथा फौज पुलिस से जुड़ी शिक्षा हेतु, पढ़ाइयों हेतु
31 दिसंबर से 7 अप्रैल, 18 मई से 27 जून, 28 जून से 10 अगस्त और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर का समय अति शुभ रहेगा। जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है नौकरी अथवा व्यापार और आपका कर्म क्षेत्र। जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा आय दोनों उत्तम रहेंगे, बेशक आप नौकरी में हों या व्यापार में हों। 5 से 12 जनवरी, 19 जनवरी से 21 फरवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर के समय व्यापार में विशेष रूप से परेशानी हो सकती है, जबकि नौकरी में सावधानी से चलने से यह समय निकल जाता है। यानी नौकरी व्यापार की तुलना में इन तारीखों में शुभ है। केवल आपको अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े नियम कानूनों अनुशासन शासन इत्यादि का ध्यान रखना होगा नौकरी में और किसी प्रकार की अनैतिकता से बचना होगा। इन्हीं तारीखों में व्यापार में हानि तथा तनाव का समय हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1 मई, 16 मई, 25 अक्टूबर, 8 नवंबर को पड़ने वाले ग्रहणों से भी सावधानी रखनी होगी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में धन हेतु 31 दिसंबर 2021 से यानी 1 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2022 में धन तीव्र गति से आ सकता है। ये 16 दिन बहुत प्रबल हैं। केवल शेयर मार्केट सट्टे जल्दबाजी से बचें। इसके उपरांत 16 जनवरी से 17 मई के मध्य लगातार धन आने के योग है। 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य आपकी सोच से कम धन प्राप्त होगा। अब जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, रिश्ते, प्रेम विवाह। 1 जनवरी से 12 जनवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च, 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य तारा डूबने से कोई भी शुभ संस्कार, यानी 1 जनवरी से 12 जनवरी मुख्यतः 5 जनवरी से 12 जनवरी है इसमें शुक्र अस्त है, 24 फरवरी से 26 मार्च में बृहस्पति अस्त है, 36 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य तारा डूबने से कोई भी शुभ संस्कार, विवाह, सगाई, मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि, गृह निर्माण, व्यापार आरंभ, कोई भी शुभ संस्कार नहीं होगा, अतः विवाह इसमें नहीं होंगे। इनमें इन अस्त ग्रहों में पुराने रिश्ते भी टूट जाते हैं, प्रेम संबंधों में धोखा लगता है, प्रेम संबंध टूट जाते हैं। प्रेम अथवा वैदिक या किसी भी अन्य प्रकार के विवाह हेतु कुछ महीने अत्यधिक उत्तम है, जैसे कि 1 जनवरी से 17 मई, परंतु 8 अप्रैल से 17 मई में प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव भी हो सकते हैं। 18 मई से 27 जुलाई में विदेश से रिश्ते आना, किसी अलग जाति में विवाह का रिश्ता विवाह होना, रिश्ते का आना, 28 जून से 10 अगस्त में अत्यधिक सुंदर व्यक्तित्व के जातक से प्रेम विवाह होना, 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में भी शुभ विवाह का योग बन रहा है, प्रेम संबंधों का योग बन रहा है। मांगलिक जातकों हेतु या जो मांगलिक जातक विवाह करना चाहते हैं उनको भी रिश्तों में सौम्यता बनाए रखने हेतु 27 फरवरी से 7 अप्रैल, 28 जून से 10 अगस्त, 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 नवंबर का जो समय सभी मांगलिक जातक जो हैं जो प्रेम संबंधों में या जो विवाहित हैं वह धन अथवा पारिवारिक कांडों के लिए बन जीवन साथी के साथ सौम्यता बनाए रखें, और जो प्रेम संबंधों में अथवा विवाह के इच्छुक हैं वह कुंडली मिलान करके ही रिश्ता निश्चित करें। अब कुछ तारीखें ऐसी हैं जिसमें आपको नौकरी, विवाह इत्यादि कई क्षेत्रों में रिश्ते बनाकर रखने होंगे, जैसे माता पिता इत्यादि नौकरी में। वो तारीखें क्या है? 19 जनवरी से 21 फरवरी, 15 मार्च से 7 अप्रैल, 28 जून से 10 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर के समय माता पिता परिवार कार्य क्षेत्र में रिश्ते बनाकर रखने होंगे। कार्य क्षेत्र अथवा नौकरी में 19 जनवरी से 21 फरवरी, 15 मई से 15 जून और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य रिश्तों को बना के रखना आवश्यक होगा। वर्ष 2022 के उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो 1 जनवरी से 16 मार्च के बीच में शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और शनि के मंत्र जाप, दान इत्यादि करना आवश्यक होगा। इस लग्न के हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज, यदि हीरा ना ले सकते हो, 37.5 शनि की दशा महादशा चलने पर नीलम यानी सफ़ेद पुखराज और हीरा साथ में नीलम और पन्ना धारण कर सकते हैं। मांगलिक होने पर परिवार में विवाह, धन की समस्या बार बार आने पर या दुर्घटना, कानूनी पचड़े पड़ने पर हीरा, पन्ना और मूंगा धारण करना शुभ रहेगा, परंतु मूंगा धारण करने के साथ दुर्गा अथवा हनुमान मंत्रों अथवा दुर्गा स्तोत्र का जाप करना शुभ रहेगा। भगवान कृष्ण के मंत्रों अथवा उन मंदिरों अथवा उनके मंत्रों या गौशाला में दान इत्यादि पूरे वर्ष देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 1 मई के और 16 मई के
ग्रहणों के आसपास तथा 8 नवंबर के मध्य के आस ग्रहणों के आसपास मांसाहार, मद्यपान, शराब, किसी भी अनैतिक कार्य से आपको बचना होगा। यानी जो चारों ग्रहण है, 1 मई, 16 मई, 25 अक्टूबर और 8 नवंबर के आसपास जो ग्रहण है, इनके मध्य मांसाहार, मांसाहार, मद्यपान, शराब इत्यादि किसी भी अनैतिक कार्य से बचना होगा। 7:30 चलने पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना या बड़ के पेड़ पर सींचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।